हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको पता है कि इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है सब्सिडरी बुक का। आज हम सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन नंबर 7 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आप सेल्स करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। और सेल्स रिटर्न बुक मैंने यहाँ पर मेंटेन की हुई है, तो सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मैं आपको ये बोर्ड से समझा दूंगा, और जो परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं। मैंने आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया है। तो सेल्स रिटर्न बुक के ट्रांजेक्शन मैं आपको समझाऊंगा और परचेज रिटर्न बुक के ट्रांजेक्शन आपको खुद से करने हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ये कहा गया है कि प्रिपेयर सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन द बुक ऑफ मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल। आपको मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल के यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। किसके यहाँ पर? मॉडर्न शूज कोलकाता के यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई, जिसमें बताया गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 6% है। सीजीएसटी का भी रेट 6% है और एसजीएसटी का भी रेट 6% है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। तो इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपको मॉडर्न शूज कोलकाता के यहाँ पर क्या करना है, आपको उनके यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई, कौन सी बुक मेंटेन करनी है? परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है मॉडर्न फर्नीचर मॉडर्न शूज के यहाँ पर। किसके यहाँ पर? मॉडर्न शूज के यहाँ पर। ओके, तो उनका बिजनेस किसका है? शूज से रिलेटेड बिजनेस है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में परचेस और सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। मैं केवल आपको सेल्स रिटर्न बुक बनाकर दूंगा, परचेस रिटर्न बुक आप खुद से बनाइएगा। बस थोड़ा सा एक बार ये देख लीजिए, मॉडर्न शूज हैं और स्टेट है इनका वेस्ट बंगाल। जनवरी 3 में बताया गया रिटर्न टू बाटा शू कंपनी कोलकाता। आपने बाटा शू कंपनी को वापस किया, कोलकाता से रिलेटेड है वो, ठीक है ना। तो ये आपने उनको सामान वापस किया, यानी आपने सामान परचेज किया था, आपको पसंद नहीं आया तो ये सामान आपने वापस कर दिया। देखिए, ये सामान परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, ये गुड्स परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, तो आपको इसे परचेज रिटर्न बुक में मेंटेन करना है। मैं आपको सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कराऊंगा, परचेस रिटर्न बुक आप खुद से बनाइएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक से है। तो जनवरी 3 में ये कहा गया कि बाटा शू कंपनी को आपने सामान वापस किया, तो जब आपने खरीदा होगा जब भी तो आपने उन्हें वापस किया है, तो ये परचेस रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इसे आप परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कीजिएगा। 10 डेट पर चलिए, 10 डेट में ये कहा गया गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस। गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता ने हमें वापस किया, यानी हमने गुरु नानक एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया होगा, उनमें से कुछ पसंद उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने सामान वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। दोबारा सुनिएगा, 10 डेट में ये कहा गया है कि गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस। रिटर्न माने वापस, टू माने को, अस माने हमको, तो गुरु नानक एंड कंपनी ने हमको सामान वापस किया। हमें कब वापस करेंगे? जब हमने उन्हें सोल्ड किया होगा, उनमें से उन्हें पसंद नहीं आया होगा, वो सामान उन्होंने हमें वापस कर दिया, तो ये ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। ओके, चलिए आ जाइए, जब सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करेंगे तो फॉर्मेट बना लेंगे डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। तो क्या फॉर्मेट बना? डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा,
डिफरेंट स्टेट होगा तो आईजीएसटी का यूज करेंगे, डिफरेंट स्टेट होगा तो आईजीएसटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता ने हमें सामान वापस किया, तो डेट में लिख लीजिए 10। यहाँ पर लिखिए गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता, यहाँ पर हमने लिखा क्या प्रोडक्ट है, 10 पेयर ऑफ शूज, ठीक है ना, फॉर बीइंग डिफेक्टिव। 10 पेयर ऑफ शूज डिफेक्टिव है और एक शूज का प्राइस 1200 पर पेयर के हिसाब से हो गया, है ना। तो आपने लिखा 10 पेयर शूज और 1200 पर पेयर। हमारे पास 10 पेयर हैं शूज के और एक पेयर का प्राइस 1200 है, तो 10 की 1200 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटेल में 12,000 रुपीज आ गए। प्रोडक्ट दिया 10 पेयर ऑफ शूज और 1200 पर पेयर, तो 10 पेयर शूज एट द रेट 1200 पर पेयर, 1200 की 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,000 आ गए। इसके बाद ये कहा गया कि ट्रेड डिस्काउंट 10% है, माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, इस 12,000 का 10% कैलकुलेट कर दीजिए, इस 12,000 का 10% यानी 1200 आ जाएगा। तो माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, 12,000 मल्टीप्लाई 10/100, 1200 आ गए। 12,000 से 1200 माइनस हुए तो 10,800 बच गए। कितने बच गए? 10,800 बच गए। तो 12,000 से 1200 माइनस कर दीजिए, 10,800 रुपीज बच गए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि सेम स्टेट हैं, जिनके यहाँ पर आप सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं वो भी कोलकाता से रिलेटेड हैं और ये भी कोलकाता से रिलेटेड हैं। तो जब सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे, प्लस सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। इस 10,800 का जब आप 6% निकालेंगे तो 10,800 मल्टीप्लाई 6/100 तो ये 648 आ जाएंगे। तो सीजीएसटी आया 648, फिर वही एसजीएसटी 6%, 10,800 मल्टीप्लाई 6/100, 648 आ गए। इनका टोटल कर दीजिए, ये टोटल आएगा 12,096 रुपीज। कितना आएगा? 10,800 में 648 और 648 प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 12,096 रुपीज आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम सेल्स रिटर्न में अमाउंट फिल करेंगे जो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बची है। 10,800 सेल्स रिटर्न में, 648 सीजीएसटी में, 648 एसजीएसटी में, आईजीएसटी नहीं है और इनका टोटल 12,096 टोटल अमाउंट में फिल कर देंगे। इस तरह से 10 डेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करेंगे 15 डेट पर। 15 डेट में ये कहा गया रिटर्न टू बालूजा शू कंपनी कोलकाता। हमने बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस किया, रिटर्न माने वापस, टू माने को, हमने बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस की 20 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल और एट द रेट 500 पर पेयर। क्या वापस की? 20 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट 500 पर पेयर और 15% रेट डिस्काउंट है, 15% रेट डिस्काउंट है। देखिए हमने उन्हें सामान वापस किया, ठीक है, किसको? बालूजा शू कंपनी कोलकाता को। तो क्योंकि हम ये सामान वापस कर रहे हैं तो ये परचेस रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक से रिलेटेड है। जाकर परचेस रिटर्न बुक में ट्रांजेक्शन फिल कीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। और क्योंकि जिनके यहाँ पर आप परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे वो कोलकाता से रिलेटेड हैं और ये भी कोलकाता से रिलेटेड है, सेम स्टेट है, तो जब सेम स्टेट होगा तो एट दैट टाइम आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो ट्रांजेक्शन हमें 15 डेट में दिया है कि हमने रिटर्न टू बालूजा शू कंपनी, हमने बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस कर दिया, तो ये परचेस रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो इसे आप कहां पर शो करेंगे? इसे आप परचेस रिटर्न बुक में शो करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 22, प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना बिहार
रिटर्न टू अस, जो प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना है, पटना से रिलेटेड हो गई। तो कंपनी का नेम तो है प्रताप फुटवेयर कंपनी, ओके, जो कि पटना बिहार से रिलेटेड है। रिटर्न टू अस, उन्होंने सामान हमें वापस किया, ओके। तो डेट है 22, कहा गया कि प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना बिहार ने सामान हमको वापस किया। रिटर्न टू अस माने हमको वापस किया। 50 पेयर्स ऑफ शूज एट द रेट 1400 पर पेयर। कितने पेयर शूज हैं? 50 पेयर शूज हैं और 1400 पर पेयर है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसे हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये गुड्स हमने उनको वापस किया है। तो हमने डेट में 22 डेट लिखी, लिखा प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार, प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार, 50 पेयर शूज हैं और एट द रेट 1400 पर पेयर है। 50 पेयर शूज हैं और एट द रेट 1400 पर पेयर है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया? अब आपने 50 की 400 में मल्टीप्लाई कर ली। थोड़ा सा एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का प्राइस यहाँ पर है, ओके। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट का रेट यहाँ पर होगा, ओके। तो आपने क्या किया? आपने 22 डेट लिखी, लिखा प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार, 50 पेयर शूज हैं और एक पेयर का प्राइस 1400 है। तो 1400 की 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70,000 रुपीज आ जाएंगे। तो 50 की 1400 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 70,000 आ जाएंगे, ओके। साथ में ट्रेड डिस्काउंट दी गई है 5%, ठीक है ना। तो माइनस कर दीजिएगा, क्या माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, इस 70,000 का 5% कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो 70,000 मल्टीप्लाई 5/100, 3,500 रुपीज आ जाएंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिएगा 5% है, कैसे निकलेगी इस 70,000 का? 70,000 मल्टीप्लाई 5/100, 3,500 रुपीज आ जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। तो अब इस 70,000 से ये 3,500 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेंगे 66,500। कितने बचेंगे? 66,500। तो 70,000 से 3,500 माइनस कर दीजिए, 66,500 बचेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है, जिनके यहां पर हम सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कर रहे हैं वो कोलकाता से रिलेटेड हैं और ये बिहार से रिलेटेड हैं, तो दोनों स्टेट डिफरेंट हो गए। जब दोनों स्टेट डिफरेंट होते हैं तो एट दैट टाइम आईजीएसटी का रेट अप्लाई होगा, ओके। तो प्लस कर देंगे आईजीएसटी, रेट कैसे आएगा? सीजीएसटी और एससीएसटी 6+6 12% हो गए, प्लस आईजीएसटी 12%। समझ में आ गया आईजीएसटी किस बेस पर लगा? क्योंकि जिनके यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं वो कोलकाता से रिलेटेड हैं और ये बिहार से रिलेटेड है, डिफरेंट स्टेट हो गया। तो आप यूज कीजिएगा आईजीएसटी 12%, इस 66,500 का 12% कैलकुलेट करेंगे, इस 66,500 का 12% कैलकुलेट करेंगे, 66,500 मल्टीप्लाई 12/100 ये आ जाएगा 7,980 रुपीज, ये आईजीएसटी आ गया। अब हमें क्या करना है? 66,500 में प्लस कर दीजिए 7,980, ये आ जाएगा 74,480, क्या जाएगा 74,480, ओके। अब हमें सेल्स रिटर्न में अमाउंट फिल करनी है, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बचा है 66,500, ये तो सेल्स रिटर्न में फिल कर दीजिए। सीजीएसटी नहीं है, डैश एससीएसटी नहीं है, डैश आईजीएसटी 7,950 इसमें लिख दिया और टोटल हो गया 74,480 रुपीज। तो इस तरह से ये हमने 15 डेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया। एक बार इसका 15 डेट का तो ट्रांजेक्शन हमारा परचेस रिटर्न बुक का था, ये हमने 22 डेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, ओके। तो 22 डेट में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए, ये कहा गया है कि प्रताप फुटवेयर कंपनी
बिहार को हमने क्या किया, बिहार प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार ने हमें सामान वापस किया। ओके, प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार ने हमें सामान वापस किया। तो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, लिख दीजिए प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार 50 पेयर शूज है, 1400 पर पेयर के हिसाब से है, तो 50 की 1400 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 70,000 आ गए। और कोई गुड्स वापस उन्होंने हमें नहीं किया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 5% है, इस 70,000 का 5% कैलकुलेट कीजिए 3,500 आ गए, माइनस कर दीजिए बचे 66,500, इस पे प्लस कर दीजिए IGST 12%। ओके, 12% कैसा है, CGST का रेट प्लस कर दिया 12%, तो इस 66,500 का 12% कैलकुलेट करके 7,900 किया गया और इसमें आपने प्लस कर दिया 74,480। सेल्स रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 66,500 यहाँ पर लिख दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, IGST 7,980 है और टोटल हो गया 74,480। तो मैं केवल सेल्स रिटर्न बुक के ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, परचेस रिटर्न बुक आपको बताता चलता हूँ, लास्ट में एक बार और बता दूंगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक से हैं। अब हम मूव करते हैं 27 डेट पर, मनोज शू कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, मनोज शू कंपनी कोलकाता ने रिटर्न किया टू अस, हमको रिटर्न किया, यानी कह रहे हैं कि हमने मनोज शू कंपनी को सामान बेचा हुआ था, उसे कुछ सामान पसंद नहीं है, कुछ डिफेक्टिव गुड्स होगा उसमें से, तो उसने वो सामान हमें वापस कर दिया। कह रहे हैं मनोज शू कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, मनोज शू कंपनी कोलकाता ने हमें वापस किया, तो ये सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। 20 पेयर ऑफ सैंडल्स 20 पेयर हैं और 1 पेयर का प्राइस 1,000 रुपीज है, 20 पेयर सैंडल हैं और 1 पेयर का प्राइस 1,000 पर प्राइस है। तो अब आप क्या लिखिए इसमें, डेट में 27 लिख लीजिए मनोज शू कंपनी कोलकाता, इतनी बात क्लियर हो गई, लिख लिया। उसके बाद 20 पेयर सैंडल कही गई है और पर पेयर प्राइस 1,000 है, तो 20 पेयर सैंडल है और एक पेयर का प्राइस 1,000 है, तो 20 की 1,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 आ गए, 20 की 1,000 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 20,000 आ गए। ओके, इस क्वेश्चन में कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया है, इस ट्रांजेक्शन में कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, क्योंकि सेम स्टेट है, जिनके यहां पर हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं वो कोलकाता से रिलेटेड है और ये भी कोलकाता से रिलेटेड है, तो ये सेम स्टेट है, जब सेम स्टेट होगा तो CGST और SGST का यूज करेंगे, और यहां पर इस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो अप्लाई कीजिए CGST 6%, SGST 6%। ओके, 20,000 का 6% कैलकुलेट कीजिए, 20,000 मल्टीप्लाई 6/100 1200 आ गए, फिर 20,000 का 6% 1200 रुपीज आ गए, तो CGST के भी 1200 आए और SGST के भी 1200 आए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, दोनों का सम कर लीजिए, जब दोनों का इनका सम करेंगे इसका इसका इसका, तो ये 22,400 आ जाएंगे, तो 20,000 में 1200 प्लस कर दीजिए 22,400 आ गए। अब सेल्स रिटर्न में जो ये अमाउंट है 20,000 फिल कर दीजिए, CGST 1200 है, SGST 1200 है, IGST नहीं है और टोटल हो गया 22,400 रुपीज। इस तरह से ये हमारा 27 डेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इस 27 डेट के ट्रांजेक्शंस को एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, ये कहा कि मनोज एंड कंपनी ने मनोज शू कंपनी, कौन सी कंपनी है, मनोज शू कंपनी यानी इनका शूज का बिजनेस है, मनोज शू कंपनी कोलकाता ने हमें वापस किए 20 पेयर सैंडल और 1000 पर पीस है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, 27 डेट मनोज शू कंपनी कोलकाता 20 पेयर ऑफ सैंडल एट द रेट 1000 पर पेयर, 20 के 1000 में मल्टीप्लाई किए 20,000 आ गए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इस ट्रांजेक्शन में नहीं है, छोड़ दीजिए,
और सेम स्टेट है, जिनके यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं वो भी कोलकाता से हैं और ये भी कोलकाता से हैं, तो सीजीएसटी और एससीएसटी का यूज होगा। सीजीएसटी 6%, एससीएसटी 6%, इस 20,000 का 6% 1200, इस 20,000 का 6% 1200 और इनका टोटल कर दीजिए 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 22,400। सेल्स रिटर्न में ये वाली अमाउंट की भी जाएगी 20,000, सीजीएसटी में 1200, एससीएसटी में 1200 और टोटल में 22,400 रुपीज। इस तरह से हमने 27 डेट की ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए। 31 डेट दी गई है, 31 डेट में जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली 31 डेट का ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक से है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न टू लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड, डिफेक्टिव शूज रुपीज 5,000। हमने लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड को डिफेक्टिव शूज वापस कर दिए 5,000 के। किसको वापस करें हमने? लिबर्टी शू कंपनी को रांची झारखंड। पहली बात, हमने सामान वापस किया तो ये परचेस रिटर्न बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ओके, क्योंकि हमने सामान वापस किया तो ये परचेस रिटर्न बुक से रिलेटेड है। ओके, परचेस रिटर्न बुक में लिखेंगे। और यहाँ पर झारखंड स्टेट है और जिसके यहाँ पर आप परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे वो कोलकाता स्टेट से है, डिफरेंट स्टेट हो गया, तो इसमें आईजीएसटी का आप यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आईजीएसटी का यूज आप करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्योंकि हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं तो हम इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे। अब आप एक काम कीजिए, पहले हमारी सेल्स रिटर्न बुक का सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, आप इसका टोटल देख लीजिए, फिर मैं दोबारा से सभी परचेस रिटर्न बुक के ट्रांजेक्शन आपको बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। जब हमने पूरा सेल्स रिटर्न बुक कंप्लीट कर लिया तो सबसे लास्ट में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, सबसे लास्ट में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि जनवरी मंथ है। कौन सा मंथ है? जनवरी मंथ है। और जनवरी मंथ में मैं आपको बता दूं 31 डेज होते हैं, तो 31st डेट लिख दीजिए, 31st जनवरी। ओके, यहां पर आप टोटल लिख दीजिए और अब सेल्स रिटर्न कॉलम से लेकर टोटल अमाउंट तक के इंडिविजुअल कॉलम का टोटल कर दीजिए। सेल्स रिटर्न से लेकर टोटल अमाउंट तक के जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम का, इंडिविजुअल कॉलम का टोटल कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्स रिटर्न की। 10,800 ये है, 66,500 ये है और 20,000 ये है, तीनों का सम कर दीजिए। जब आप तीनों का सम करेंगे तो 97,300 आ जाएगा। कितना जाएगा? 97,300 रुपीज आ गए। तो ये तो टोटल आ गया सेल्स रिटर्न बुक का, 10,800 प्लस 66,500 प्लस 20,000, 97,300 आ गए। इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी पर जाइए, 648 और 1200 1848 आ गया। फिर एसजीएसटी पर 648 और 1200 1848 आ गया। फिर आईजीएसटी में आप लग जाएंगे तो ये 7,988 टोटल कर दीजिए। ओके, और इसके बाद टोटल अमाउंट का सम कीजिए, 12,096 74,480 और 22,400। ये टोटल आ गया 1,08,976। इस तरह से हमने टोटल लगा लिया। तो सेल्स रिटर्न बुक बनाने के बाद सबसे लास्ट में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 31st जनवरी डेट है, टोटल लिख दीजिए और सेल्स रिटर्न से लेकर टोटल अमाउंट तक के इंडिविजुअल कॉलम पर टोटल कर दीजिए। सेल्स रिटर्न 10,800 66,500 20,000, तो टोटल आएगा 97,300। सीजीएसटी का टोटल आएगा 648 और 1200 1,848। एसजीएसटी का भी टोटल 1,848। आईजीएसटी का टोटल 7,980 और टोटल अमाउंट है 12,096 74,480 और 22,400 1,08,976 आ गया। इस तरह से हमने अपनी सेल्स रिटर्न बुक के सभी टोटल कंप्लीट कर लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मैं एक बार आपको, ये तो आपकी सेल्स रिटर्न बुक हो गई,
क्वेश्चन में बता देता हूं कि परचेस रिटर्न बुक में आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखने हैं। जनवरी थर्ड वाला ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक में जाएगा, जनवरी थर्ड वाला ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक में जाएगा। इसमें दिया गया है रिटर्न टू बाटा शू कंपनी कोलकाता। आपने बाटा शू कंपनी कोलकाता को वापस की 50 पेयर ऑफ चप्पल बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल। जो सैंपल था उसके अकॉर्डिंग वो चप्पल नहीं है और पर पेयर प्राइस 600 पर पेयर है और ट्रेड डिस्काउंट 20% है। तो आपने किसको वापस किया? बाटा शू कंपनी कोलकाता को। तो सेम स्टेट होगा, जिनके यहां पर आप परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे वो भी कोलकाता से हैं और जिनको वापस किया वो भी कोलकाता से हैं। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज कीजिएगा। ओके, इसके बाद आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है 15 डेट वाला रिकॉर्ड करना है परचेस रिटर्न बुक में। कौन सी डेट वाला? 15 डेट वाला। 15 डेट में कहा गया कि आपने बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस किया। किसको वापस किया? बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस किया 20 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट 500 पर पेयर। आपने बालूजा शू कंपनी कोलकाता को वापस किया। पहली बात, जिनके यहां पर आप परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे वो भी कोलकाता से हैं और ये 15 डेट में जो सामान वापस कर रहे हैं वो भी कोलकाता से हैं। सेम स्टेट है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। ओके, और आपने उनको 20 पेयर्स लेडीज चप्पल वापस की और रेट 500 पर पेयर है और ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर दीजिएगा, 15% कर लेंगे। इसके बाद जो आप परचेस रिटर्न बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो है 31st डेट का। तो 3 डेट वाले ट्रांजेक्शन परचेस बुक रिटर्न बुक में जाएंगे, जनवरी 3, 15 और 31। 31 में कहा गया लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड को आपने शूज वापस किए क्योंकि वो शूज डिफेक्टिव थे। तो आपने किसको वापस किए? कहा गया कि आपने लिबर्टी शू कंपनी किसको वापस किए? लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड को डिफेक्टिव शूज वापस किए, वो शूज 5000 रुपीज के हैं। देखिए, एक तो इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दी गई है, छोड़ दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट है, जिनके यहाँ पर आप परचेस रिटर्न बुक मेंटेन करेंगे वो तो कोलकाता से रिलेटेड है और ये रांची झारखंड से रिलेटेड है, तो डिफरेंट स्टेट हो गए। आप सभी को पता है कि जब डिफरेंट स्टेट होगा तो आईजीएसटी का यूज करेंगे। तो इसमें आपने लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड को वापस किए तो वो डिफरेंट स्टेट होने के कारण यहां पर आईजीएसटी अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन में इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दी गई है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड है। सेल्स रिटर्न बुक मैंने आपको बताई, परचेस रिटर्न बुक आप खुद से मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू।